हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में अपन बात करेंगे साइंस के क्वेश्चनों की ठीक है साइंस के हार्ट के क्वेश्चनों की फ्रेंड्स आज मैं आपका लेने वाला हूँ टेस्ट ठीक है अगर आपने कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है और आपने अगर साइंस पढ़ी है तो आप इन 21 क्वेश्चनों के आंसर देना और पता लगाना कि आपको 21 यानी कि इक्कीस प्रश्नों में कितने आपके सही होते हैं अपना स्कोर जरूर लिखना तो देखना आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है आपको खुद पता चल जाएगा मेरे फ्रेंड्स तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं तो देखिए चार ऑप्शन आपके पास में है सही प्रैक्टिक लगाइए मेरे भाई और अपना स्कोर लिखते जाइए बहुत ही दिलचस्प रहने वाला आज का वीडियो और आपका होगा टेस्ट तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कार्डियोलॉजी बोलते हैं हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप किस किस का सही है किस भाई का सही है किस बहन का सही है वो अपना कागज और पेन पर नोट करते जाइए अपना स्कोर अगला प्रश्न है सामान्य वैश्यक मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है तो अपन के दिल का वजन कितना होता है मेरे भाई दिल से प्यार तो होता है लेकिन उसका वजन भी पता है या नहीं उसका वजन होता है वो है तीन सौ ग्राम कितने वजन का होता है तीन सौ से साढ़े तीन सौ ग्राम होता है इसका वजन लगभग ठीक है फ्रेंड्स साढ़े तेरह सौ ग्राम नहीं होता है अपने मस्तिष्क का वजन होता है तेरह सौ से साढ़े तेरह सौ ग्राम के लगभग ठीक है अगला प्रश्न आपके पास में है हृदय को घेरे रखने वाली झीली को क्या कहते हैं मेरे भाई अपना जो दिल है उसको एक झिल्ली घेरे रहती है जिसको भारी आघातों से बचाती है यानी कि अपने दिल पर चोट मारती है ना शादीशुदा व्यक्तियों को पता है उनकी बीवी दिल पर चोट मारती है किक मारती है तो उस किक से अपना दिल को जो है डैमेज ना कर सके तो उसके लिए एक झिल्ली होती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं चार ऑप्शन आपके पास में है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पेरिकार्डियम कार्डियम झीली बोलते हैं क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम कार्डियम झीली बोलते हैं और आपको याद भी करना है साथ साथ में अगर आपका रोंग होता है तो लास्ट में जाकर देखना है कि आपका कितना स्कोर बनता है कितने आप सही होते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं चलिए बात करते हैं अगले टेस्ट की अगले प्रश्न की रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है मेरे भाई ब्लड प्रेशर बीपी जिसको बोलते हैं उस पर तो नियंत्रण कौन करते हैं बीपी हाई हो जाती है ना शादीशुदा व्यक्तियों से पूछो उनकी बीपी इतनी हाई रहती है कि मेरे भाई पूछो मत तो ऑप्शन नंबर कौन सी पड़ताला करूं मेरे भाई सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवक् ग्रंथि भी बोलते हैं दोनों का एक ही नाम है मेरे भाई एड्रिनल और अधिवक्कर तो उपयुक्त तो दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है मेरे भाई अगला प्रश्न है एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है यानी कि ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है सामान्य व्यक्ति का तो बीपी होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 120 से 80 एम एम एच जी बीपी होता है एक सामान्य व्यक्ति का ठीक है नॉर्मल बीपी रहता है अगला प्रश्न है इस्कोर अवधान लिखते जाना मेरे भाई ठीक है अगला प्रश्न है प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं तो हृदय की जो ध्वनि होती है ना आपका दिल होता है भैया उनसे ध्वनि भी निकलती है दिल एक नाम मात्र का दिल नहीं होता उसके ध्वनि भी निकलती है प्रथम ध्वनि को बोलते हैं लब और द्वितीय ध्वनि को बोलते हैं डब क्या लब डब की ध्वनि हमारे हृदय से निकलती हैं भैया पता है ना आपको नहीं भी पता तो सुन लेना लब डब लब डब की ये ध्वनि हमारा जो हृदय धड़कता है धक 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 नहीं धड़कता वो लब डब लब डब करके धड़कता है तो प्रथम ध्वनी पूछे तो लब बतानी है द्वितीय ध्वनी पूछे तो डब बतानी है चलिए अगला प्रश्न है हृदय की ध्वनि को सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है मेरे भाई जो डॉक्टर लगाता नहीं है क्या अपने कानों से लगाकर हमारे हृदय को हमारी कमर पर वो टिक करता है वो हृदय की ध्वनि ही सुनता है कि ये धड़कन सही से धक रही है धक धक नहीं कर रही है या सही से धक रही है या नहीं तो वो जो यंत्र है उस यंत्र को बोलते हैं स्टेथोस्कोप क्या बोलते हैं स्टेटे स्कोप ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स ठीक है अब कितने परसेंट हो गई भैया कितने सही है तुम्हारे एक ग्रसकुल तुम्हें पूछ रहा हूं कितने सही है तुम्हारे ठीक है तो स्कोर लिखते जाना अपना हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है धड़कन हृदय की धड़कन धक 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 बढ़ जाती है ना कोई ग्यार हो जाता है जैसे कोई आपदा आ जाती है ना तो उस आपदा से क्या है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है उस जो हृदय की धड़कन बढ़ती है उस हार्मोन को क्या बोलते हैं आखिर किस हार्मोन आगे। आगे की वजह से हमारा हृदय दल दिल जो है वो धक धक करने लग जाता है आखिर कौन सा वो हारमोन है तो वो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा है थायरोक्सिन याद रखना मेरे भाई हमेशा कभी नहीं भूलने वाला प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ और इसी तरीके से आपको प्रश्न में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कभी ना भूल सको इन प्रश्नों को हमेशा याद रखो तो दिल की धड़कन आखिर क्यों हमारे धक धक करने लग जाती है क्यों तेज धड़कन हो जाती है क्यों घबराहट हो जाती है वो आखिर हार्मोन है कौन सा तो वो हार्मोन है आपका थाइरॉक्सिन हार्मोन ठीक है याद रह जाएगा चलिए कोई बात नहीं है याद रह जाएगा तो अगला प्रश्न है हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं ठीक है उसको बोलते हैं ईसीजी क्या बोलते हैं ईसीजी उसी उस यंत्र को बोलते हैं मेरे भाई स्कोर अपना लिखते जाना कितना सही हो गया नाइन प्रश्नों में से वो जरूर लिखते ना लिखते जाना क्योंकि मेन मकसद आपका टेस्ट लेना आपके साइंस किया पढ़ी आपने कितनी पढ़ी उसका टेस्ट लेना कितनी आपकी तैयारी है उसका पता लगाना है मेरा आज का टारगेट

जो आंसर है वो टिक करना उसके बाद में पता लगाना कि सही है या गलत है ठीक है तो प्रारंभिक जो हृदय का प्रारंभिक पेश में किसे बोलते हैं वो बोलते हैं एस ए नोड को बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा एस ए नोड ठीक है अगला प्रश्न है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना ठीक है बीपी बढ़ जाना वो क्यों होता है या वो उसको बोलते क्या है बीपी ज्यादा होने को ये क्वेश्चन का मकसद है तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन आपको टेंशन से याद रखना है हाइपर टेंशन है ना टेंशन इसे आपको याद रखना है हाइपर टेंशन हाई मतलब ज्यादा ठीक है तो ब्लड का ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना हाइपर टेंशन कहलाता है और ब्लड प्रेशर का कम होना बोलते हैं हाइपो तो हाइपर और हाइपो में फर्क जरूर समझ लेना मेरे भाई क्लियर है अगला प्रश्न आपके सामने हृदय की धड़कन पूछ रहा है इस बार ब्लड प्रेशर नहीं पूछ रहा है हृदय की धड़कन पूछ रहा है उसका सामान्य से कम होना क्या कहलाता है मेरे भाई हृदय की धड़कन जो है धक धक वो कम करने लग जाती है कम धड़कने लग जाता है अक्सर लोगों का युवाओं का ज्यादा दिल धड़कता है तो ये पूछ रहा है मेरे भाई कम के बारे में पूछ रहे हैं तो कम हृदय का धड़कना बोलते हैं बेडिकार्डियम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेडी कार्डियम बोलते हैं क्लियर है अगला प्रश्न है संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय क्या है आगे हृदय ब्लड को छोड़ देते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिक दबाव कौन सा दबाव बोलते हैं उसको सिस्टोलिक दबाव बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सिस्टोलिक दबाव ठीक है फ्रेंड्स अगला प्रश्न है मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय जो अपना दिल नहीं है क्या मेरे भाई वो आपको पता है पैंचू पैंचू करता रहता है ना धक 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 करता रहता है लपडप लपडप की धोनी तो उस एक धड़कन में कितना समय लगता है वो आपको बताना है चार ऑप्शन आपके सामने हैं पता लगाइए मेरे भाई और अपना स्कोर को बढ़ाइए तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 0.8 सेकंड एक धड़कन में लगती है कितनी 0.8 सेकंड और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय और धड़कता है 72 यानी कि बेहतर बार धड़कता है एक मिनट में क्लियर है अगला प्रश्न है तो कितना स्कोर हो गया मेरे भाई पास पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो काफी इजी प्रश्न है आज की वीडियो में तो मुझे लगता है कि मेरे भैया आपका स्कोर जो है वो लगभग एटी प्लस बनना चाहिए यार ठीक है अगला प्रश्न है जार्विक सेवन क्या है तो जार्विक सेवन क्या है क्या पेसमेकर है कृत्रिम हृदय या रॉकेट का नाम है या कोई उपग्रह है आखिर है क्या जार्विक सेवन तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कृत्रिम हृदय को जार्विक सेवन ही बोलते हैं जार्विक साइंटिस्ट का नाम था किसका नाम था एक साइंटिस्ट का नाम था जारविक सेवन उसने ये हृदय बनाया उसी ने अपने नाम पर इसका नाम रख लिया जारविक सेवन अब सेवन क्यों रखा वो आप पता लगा ना मेरे भाई ठीक है अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है जो दिल की धड़कन है ठीक है उसको क्या बोलते हैं ये प्रश्न पूछ रहा है तो उसको बोलते हैं हार्ट बीट क्या बोलते हैं हार्ट बीट बोलते हैं हृदय की धड़कन को ठीक है सत्रह प्रश्न हो गए मेरे भाई तीन प्रश्न और बचे हैं

विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करते हैं तो वो करती है सीराय ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा वेनिस जिसे बोलते हैं करेक्ट है अगला प्रश्न है रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है तो रक्त जो शरीर में पूरा भ्रमण करता है रक्त ठीक है ना हर शरीर के कोने कोने तक हमारा ब्लड जाता है तो पूरा भ्रमण करता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र ठीक है, है? सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे बोलते हैं तो उपयुक्त तो दोनों यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा तंत्र इसको इंग्लिश में बोलते है, हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा अब सॉरी हाँ अब अब आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न है तो ये आपको स्कोर को आपको पास करने में या मदद करेगा आपका ये प्रश्न है देखिए आशा करता हूँ सबको ये प्रश्न आना चाहिए मानव शरीर में शुद्धता यानी कि ऑक्सीकन ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों में फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है तो हृदय से जो फेफड़ों से जो ब्लड निकलता है ऑक्सीजन युक्त तो रक्त है शुद्ध है वो हमारे हृदय तक पहुँचता है तो फ्रेंड्स याद रखना हृदय में हमेशा शुद्ध रक्ति पहुँचता है कौन सा शुद्ध रक्ति पहुँचता है अशुद्ध नहीं पहुँचता वो शुद्ध ब्लड को शुद्ध करने का कार्य कौन करती है वो करते हैं किडनी कौन करती है किडनी के द्वारा जो है ब्लड का शुद्धिकरण होता है प्रश्न भी याद रखना अब फ्रेंड्स साहब मुझे बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ कितने प्रश्न आपके सही हुए कितने गलत हुए वो मेरे को बताना ये था आपका टेस्ट तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका दिल से शुक्रिया मेरे भाई अब यहाँ तक पहुँच गए तो इस लाल बटन को ज़रूर दबा देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही और टेस्ट आपका हर सब्जेक्ट का मैं टेस्ट लूँगा साइंस का और अन्य जे का रीजनिंग का मैथ का हर सब्जेक्ट का आपका टेस्ट लगेगा यहाँ पर ठीक है मेरे भाई इससे आपको क्या आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि मेरी कितनी तैयारी है कितने क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं नहीं आ रहे इसी के साथ साथ में आपको प्रश्न भी याद हो जाएगा तो इससे बड़ी और क्या बात है? हो सकती है आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही दीजिए इजाज़त मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार